मध्य प्रदेश में छठवें चरण का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव के दौर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की रही है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन आपको याद होगा कि 2018 का जब चुनाव हुआ तो उसमें एक नाम और था और वो था सपाक्स का, पर जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो ये नाम है तो मैदान में लेकिन उस तरह से चर्चा में नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है और कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण लोकसभा में उतनी सीटों पर सपाक्स मैदान में नहीं आ पाया जितना 2018 के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा था। यही नहीं, इसका असर भी पड़ा 2018 के चुनाव में और कांग्रेस सत्ता में है। लेकिन इस बार के चुनाव में क्या है सपाक्स की भूमिका, मेरे साथ हीरालाल त्रिवेदी जी हैं जो कि सपाक्स के अध्यक्ष है, मैं उनसे ही सीधी बात करूंगा। हीरालाल जी, मैं देख रहा था 2018 का जब इलेक्शन शुरू हुआ आपसे लगातार बातें हो रही थी, काफी चर्चा रही, बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने आए, शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आया तो ये कहा, ये लगा कि सपाक्स बिल्कुल चरम पर है, खासकर हम बुंदेलखंड की बात करें या फिर चंबल की बात करें, इस जगह हम देख रहे थे, या रीवा क्षेत्र की बात करें। लेकिन इस बार सपाक्स है तो पर वैसा नजर नहीं आ रहा जो 2018 में। देखिए, इस बार भी हम 10 लोकसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के बाहर भी हम जो है 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो सपाक्स मैदान में है। ये बात जरूर है कि उतनी चर्चा में नहीं है, चर्चा में इसलिए नहीं है कि जो आरक्षण का मुख्य मुद्दा था हमारा, उसको भाजपा सरकार ने 10% सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिए का झुंझुना पकड़ा दिया जिसे हम कहते हैं, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि उससे आम सामान्य वर्ग को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कारण यह है कि जो आरक्षण है वो तो पहले 30 साल तक 10 साल करके बढ़ा, पहली पीढ़ी ने उपयोग किया, फिर अगले 30 साल दूसरी पीढ़ी ने उपयोग किया, अब तीसरी पीढ़ी उपयोग कर रही है। आरक्षण में हम ये कह रहे हैं कि जिन परिवारों को लाभ मिल गया उनको मत दो, पदोन्नति में आरक्षण खत्म करो, तो उसी समाज के गरीब वर्ग को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये बात अभी जनता के बीच में पहुँची नहीं है, वो ये समझते हैं कि हम SC ST विरोधी हैं, जबकि हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं। नंबर दो, आरक्षण में हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे हो, गरीबों को मिले, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम काम करना चाहते हैं। अभी समय है, अभी 6 महीने हुए हमारी पार्टी को, लेकिन इस चुनाव में तो जाति धर्म ये सब नजर आ रहा है, लगातार धर्म की बातें हो रही, खासकर हम जिस सीट पर बात कर रहे हैं आपसे बैठकर भोपाल में, ये देखा जा रहा है एक तरफ भगवा चेहरा है प्रज्ञा सिंह का, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह जैसे नेता है, लेकिन वो भी वही कर रहे हैं जो प्रज्ञा करती आई है, तो क्या ये धर्म का जो मुद्दा है वो सपाक्स पर भारी पड़ रहा है? देखिए, आज भी हमारे देश की जनता धर्म में ज्यादा विश्वास करती है और ये धर्म में हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन हम धर्म को राजनीति में, प्रजातंत्र में, चुनाव में उपयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि धर्म आपका व्यक्तिगत विषय है, आपके समाज का विषय है। लेकिन आप देख रहे हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आज साधुओं की रैली किया, ये क्या है? आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षता की बात खुलेआम करिए, डरने की क्या जरूरत है? ऐसे ही भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुओं को जाति के रूप में वो विभाजित कर रही है। आप देखिए कि भाजपा की जो नीतियां हैं, खासकर एट्रोसिटी एक्ट को लेकर उनकी जो नीति रही है कि 2000 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 2018 में फिर से अमेंडमेंट करके उन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को काला कानून का रूप दे दिया, और ये इसका प्रभाव ये हो रहा है कि एक वर्ग आज हिंदू धर्म को मानने को तैयार नहीं है, दूसरा धर्म हिंदू धर्म को मान रहा है, उनके साथ चल रहा है, उसके बावजूद भी उस पर प्रताड़ना झेलना पड़ रही है। तो ये जो कानून का विभेद है, इसलिए सपाक्स पार्टी एक देश एक कानून एक झंडा एक नागरिकता को लेके हम बात कर रहे हैं। 10 लोकसभा चुनाव पर 10 लोकसभा की सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारे, तो क्या लग रहा है, क्या सपाक्स 2018 के बाद कमजोर पड़ गया, या 2018 में जो आपने वोट काटने का खेल खेला जैसा आप पर आरोप लगता रहा है कि आपके वोट कटे, लिहाजा कांग्रेस सरकार में आ गई, वो बात चला कि बहुमत किसी को भी नहीं मिला, तो क्या 2018 में भी आप यही कर, 2019 का जो लोकसभा चुनाव है बिना कार्यकर जी यहाँ से 10 अलग अलग लोकसभा सीटों पर आपके प्रत्याशी है, तो क्या वही भूमिका में इस बार नजर आ रहे हैं, किसको फायदा पहुंचाएं? देखिए, हम मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में, जैसे कांग्रेस ने ऋण माफी किया हम उसके खिलाफ,
हम खुलेआम कह रहे हैं कि ये ऋण माफी गलत है, किसानों को लाभ देना है तो आप किसानों को खाद पानी और बिजली दे दीजिए, उसको किसी ऋण माफी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, भाजपा सरकार ने भी यही किया था, उन्हें एमपीवी के बिल जिसने नहीं भरे प्रमाण पत्र दे के उन्होंने लोगों को वो किया। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, इस देश का जो मध्यम वर्ग है जो टैक्स देता है उसको ये लुटा रहे हैं। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में आज ये कह रही है कि हम 5 करोड़ परिवारों को 6 महीने तक 12,000 रुपया महीना अर्थात 72,000 रुपया साल मुफ्त में देंगे ऊपर उठाने के लिए। ये कैसी नीति है आपकी? यदि आपको देना है तो 5 करोड़ युवाओं को आप रोजगार दीजिए, उनके लिए रोजगार क्रिएट करिए, फिर पैसा दीजिए। सपाक्स मैदान में है, लेकिन सपाक्स को पहले जब ये बातें चली जब आप अध्यक्ष बने उस दौर में हम देख रहे थे एक लंबी फहरिस्त आपके साथ जोड़ती जा रही थी, धीरे धीरे कर कम हो गई। तो क्या सपाक्स में भी फूट आ गई है? सपाक्स के अलग अलग लोग हो गए, कुछ लोग कहते सपाक्स के साथ जाना चाहिए, कुछ लोग अलग हो गए। तो क्या ये सब आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं कि सपाक्स ही ना रहे? देखिए, पहले ये एक अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन था पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ, वो राजनीति में नहीं आ सकते, अलग है। फिर सामाजिक आंदोलन हुआ जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग थे, कोई एक पार्टी का आंदोलन नहीं था एट्रोसिटी एक्ट को लेके। और जब हमने पार्टी बनाई, हमने ये इस आधार पे पार्टी बनाई कि इस आंदोलन को अब विधानसभा संसद में भी हमारा एक प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि, 10 प्रतिनिधि जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2018 का जब अमेंडमेंट हुआ तो एक भी सांसद, हम कहें शिवराज जी की भाषा में कि माई का लाल, नहीं था जो इस एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ बोलता कि आप जो जमानत का प्रावधान निरस्त कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, एक भी नहीं बोला। तो हम ये चाहते हैं कि इन बातों को उठाने वाला ये सांसद वहाँ जाए, इसलिए यहाँ से हमने मीणा घाणेकर को खड़े किए, 10 जगह से खड़े किए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि विधानसभा में हमें जो वोट मिले थे उससे डबल से अधिक वोट हम पाएंगे। हमारे अब पॉलिटिकल वर्करों की संख्या बढ़ी है। लेकिन विधानसभा में तो कोई सवाल उठाने वाला मिला नहीं आपको, एक सीट आप जीत नहीं पाए, वो बात अलग है कि आपने किसी और को चुनाव जितवा दिया जैसा आप लोग पर आरोप लगता है। तो आप क्यों उम्मीद लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी लोकसभा में आप एक आपका सांसद पहुंचा पाएंगे, ये कहां से उम्मीद आती है? देखिए, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हम एक राजनीतिक दल हैं तो हमें अपने मुद्दे जनता के बीच में भेजना चाहिए। विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, आगे जाके हम लोकल गवर्नमेंट के चुनाव लड़ेंगे, नगर पालिका में हमारे मुद्दे जब नीचे लेवल पे पहुंचेंगे, नीचे से हमारा कैडर तैयार होगा, ये काम हम बहुत जल्दी करेंगे। और आपको बता दें 26 जनवरी 2020 से ये आरक्षण फिर 10 साल के लिए आगे बढ़ेगा, बीजेपी और कांग्रेस वापस एक हो जाएंगे ये और इस आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाएंगे। हमारा आंदोलन, हम इसी के प्रति लोगों को जागृत करेंगे और हम ये आंदोलन सड़क पे ले जाएंगे। अब युवाओं को हम सड़क पे लाएंगे कि आपका जो हक है वो ये बीजेपी कांग्रेस वाले ही मार रहे हैं और यही इस देश को जाति के आधार पर। अभी विश्वास जताने में आप युवाओं पर क्यों पीछे रह गए? क्यों युवा आपके साथ नहीं आया? वो आर्थिक आरक्षण की आप बात करते हैं, आर्थिक आरक्षण को लेकर युवा बात करता है, 10% का आरक्षण मिला लेकिन ये मुद्दा गायब हो गया। अब 2018 के बाद 2018 में ये मुद्दा खूब छाया रहा, 2019 में चर्चा भी इसकी नहीं हो रही, फिर युवा जुड़ेंगे कैसे? देखिए, इंटरनली चर्चा में है, हम जहाँ भी हमारे लोग जाते हैं, जहाँ भी हम लोगों से बात करते हैं, लोगों के अपना मुद्दा भेजते, सभी हमसे सहमत हैं। लेकिन केवल एक बात पे वो कहते हैं कि अभी आप पॉलिटिकली विकल्प के रूप में सामने नहीं आए, अभी वर्तमान समय में हम वो पब्लिक ये चाहती है कि पॉलिटिकली विकल्प जो है, जो इनकी सरकार बनाना है या उसकी बनाना है, उसके साइड में जाना चाहते हैं, इसलिए ये दिक्कत है। लेकिन जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम जहाँ जा रहे हैं, जहाँ गए हैं, वहाँ भी वही स्थिति है, तब जनता हमारे साथ निश्चित। चुप कहाँ हो गई, ये विश्वास क्यों कमजोर पड़ गया लोगों का? क्या ऐसा तो नहीं कि हीरालाल त्रिवेदी अपने बल पर सपाक्स को चलाना चाह रहे थे, कुछ लोग अलग ढंग से अपने चलाना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें इस स्थिति में पहुंच गई कि आज युवा आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ नहीं जुड़ रहे हैं? नहीं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि जो दूसरे राजनीतिक दल इस क्षेत्र में बने थे 90 के आंदोलन के बाद, 94-95 में, 2002 में, कई राजनीतिक, करीब 40-42 राजनीतिक दल इस देश में बने, जिसमें 10 से 11 राजनीतिक दल आज सपाक्स से जुड़ने को तैयार हैं। इस चुनाव के बाद एक एक करके कई राजनीतिक दल हमारे साथ में अपना दल खत्म करके जुड़ेंगे। क्या रणनीति अगली? अगली रणनीति हमारी यही है कि
हम रूट लेवल से, नीचे लेवल से हमारा किरदार खड़ा करें, युवाओं को उसमें जोड़ें, और जितने राजनीतिक दल, जितनी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं आज की तारीख में इस क्षेत्र में, उन सबको हम एक क्षेत्र के नीचे लाएं, तब जाकर हमारा आंदोलन ये मजबूत होगा और हम इसको आगे ले जा सकते। राजनीति जब होती है, कोई दल तैयार होता है, तो उसमें बड़े बजट की जरूरत होती है, और कई दफ़ा बजट के अभाव में छोटे जो संगठन खड़े होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। सपा के साथ आएगा कहाँ से, आप कैसे लोगों को छोड़ पाए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं देश में जो तमाम सारी पार्टियाँ वो किस तरफ चुनाव लड़ रही हैं, किस स्थिति में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन सपा उसमें बहुत हुई। देखिए, जब हम विधानसभा चुनाव में थे तब हमारा कैडर खड़ा नहीं हुआ था, इवन हमें जो कार्यकर्ताओं से राशि आना चाहिए वो भी नहीं आई थी, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में हमने जब सदस्यता अभियान चलाया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो हमारे पास राशि आने लगी, 10 रुपये के सदस्य बनने लगे, 100 रुपये के सदस्य बनने लगे, तो आज की तारीख में हमारी पार्टी रन हो रही है, इतना पैसा हमारे पास आना शुरू हो गया। तो निश्चित है कि आगे समय में जब हम अच्छा करेंगे, लोगों को और जोड़ेंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी खासकर, तो निश्चित है कि पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो पार्टी की ग्रोथ अपने आप होगी। 10 जो लोकसभा है वो कौन कौन सी लोकसभा जिन पर आपने अपने प्रत्याशी खड़े किए और क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं इसमें से? देखिए, हमारे जो विंध्य क्षेत्र से है, इधर से सीधी सतना, रीवा और मंडला जो है 4 सीटों से हम लड़े थे। इसमें भी हमारा जो बीच में होशंगाबाद, राजगढ़, भोपाल, यहाँ मध्य क्षेत्र में भी हम 3 सीटों से लड़ रहे हैं, इंदौर से भी हम लड़ रहे हैं, तो ये जो दमों से हम लड़े हैं, दमों में मतदान हो गया, तो ये जहाँ पे हमें उपयुक्त उम्मीदवार मिले और जिन्होंने जिनमें कुछ क्षमताएं थी लड़ने की, ताकत थी, उन लोगों को हमने खड़े किए। हर जगह हमने उम्मीदवार इसलिए खड़े नहीं किए कि हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ मजबूत नहीं थे। इस बार किसका वोट काटने वाले, कांग्रेस का? हम केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हमारे मुद्दों से सहमत हैं, जो हमारी लड़ाई से सहमत हैं, वो हमारे साथ जुड़े, जो नहीं है वो ना आए हमारे साथ। तो जो लोग हमारे साथ आएगा वो किसका आदमी आता है, वो किसको वोट देता है या नहीं देता, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। हम ना किसी को फायदा पहुँचाना चाहते हैं ना नुकसान, हम तो जनता की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, अपने मुद्दों को, अपनी लड़ाई को हम आगे ले जाना चाहते हैं और यही काम हम आगे करते हैं। तो ये थे मेरे साथ हीरालाल त्रिवेदी, जो कि सपाक्स के अध्यक्ष हैं, और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से 2018 में इन्होंने तैयारियां की थी वो जरूर है कि उसका असर भी देखने को मिला, लेकिन 2019 में बहुत कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो एक बड़ी बजट की आवश्यकता होती है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बहुत कुछ ऐसा करना होता है, जब जनता ये समझ पाती, खासकर सपाक्स के लोग ये समझ पाएंगे कि आप हमारे साथ हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर में कई बातें सामने आई, लेकिन फिर भी सपाक्स को उम्मीद है कि कुछ नया कर दिखाएंगे आने वाले दिनों में, ये देखने को मिलेगा, लेकिन इस सबके लिए 2020 तक हम इंतजार करता हूँ। चलिए, आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।